राधे राधे। तो अगर जीवन में सफल बनना है तो इन पांच चीजों को अपने मन से, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। मैं जहां पर अभी हूं वो सिर्फ इसी वजह से हूं कि मैंने अपने जीवन में इन पांच चीजों को बाहर फेंक दिया। पता है क्या थी पहली चीज? लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहें, हमें क्या। दूसरी चीज, अभी मूड नहीं है। तीसरी चीज, मुझसे नहीं हो पाएगा। चौथी चीज, या मेरे पास टाइम नहीं है। और पांचवी चीज, सबसे जरूरी चीज, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये जो पांचों चीजें हैं ना, ये बहुत बड़े अवगुण हैं। और ये अवगुण वो हैं जो खाट में खटमल की तरह हमें हर वक्त चुभते हैं। और सच में हमारे अच्छे गुणों को पीकर ही ये बड़े होते हैं। हम सब एक गुण के साथ पैदा होते हैं। भगवान ने हम सबको सुंदर बनाया है, अलग बनाया है, लेकिन हम इन सब चक्करों में फंसकर अपने गुण को भूल जाते हैं। मेरी आज की कहानी में भी इसी तरीके से एक बात को दर्शाया है कि किस तरह हम एक तरीके की जिंदगी जीते 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 हम आगे नया कुछ नहीं कर पाते, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। हमें सिर्फ ये लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भी मूड नहीं है, या हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर इसी तरीके की बातें। आज की कहानी सुनकर आपका मार्गदर्शन ज़रूर होगा और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा कि आज तक आप आगे क्यों नहीं बढ़े। तो अगर आगे बढ़ना है तो आज की कहानी तो ज़रूर सुननी है। तो कहानी शुरू करूँ। ये है कि एक आदमी रेगिस्तान में अपने 7-8 ऊंटों के साथ में सफर कर रहा होता है। अब अचानक वहां पे आंधी चलती है, बहुत तेज आंधी आती है, मानो मिट्टी का तूफान आ गया होता है। उसको लगता है कि कहीं मेरे ऊंट इधर उधर ना हो जाएं, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे ऊंट बीमार ना पड़ जाएं। सोचता है कि मैं यहीं कहीं शरण ले लूं। दूर देखता है कि एक बहुत बड़ा सी एक हवेली है। वो वहाँ हवेली के अंदर जाता है और उनसे अनुमति मांगता है कि क्या मैं आज अपने ऊँटों के साथ में आज की रात यहाँ बिता सकता हूँ। अब वो आदमी भला होता है, वो कहता है ठीक है तुम यहाँ रह जाओ। अब क्या होता है, वो सारे ऊँटों को अपने कीलों से बांध रहा होता है। अब उस आंधी तूफान के चक्कर में उससे एक कील गिर जाती है। अब उसे लगता है कि अगर मैंने अपने ऊंट को कीले से नहीं बांधा तो कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, अब मैं इतने बड़े रेगिस्तान में कहाँ देखूंगा। उसको अपने बच्चे की तरह प्यार होता है अपने ऊंटों से, जैसे हम चिंता करते हैं अपने अपनी चीज़ों की, अपने बच्चों की, बिल्कुल वो उसी तरीके से चिंतित हो जाता है। अब वो जो जहाँ रह रहा होता है वो उनके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। कहता है कि मैं क्या बताऊं आपको कि ये जो कील है वो तो मेरे साथ जो ऊँट थे उनके पास तो लगा दी, लेकिन मेरे 8वें ऊँट के साथ में जो कील थी वो कहीं इधर उधर हो गई है। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं कील नहीं लगाऊंगा तो मेरा ऊँट कहीं इधर उधर रात को ना चला जाए, मुझे डर लग रहा है। अब उस आदमी को लगता है कि मतलब चिंता का विषय है। वो कहता है काम करो, उस ऊंट के सामने ना झूठ मूठ का तुम कीला गाड़ने की कोशिश करो, देखते हैं क्या होता है। अब वो जो है ऊंटों का मालिक वो ही करता है, झूठ मूठ कील की आवाज निकाल कर कील लगा देता है। अब देखता है कि वो ऊंट जो है वो बैठ जाता है और वहीं सो जाता है। वो कहता अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, कहना देखना ये कहीं नहीं जाएगा। वो भी अब आराम कर लेता है, बहुत थका हुआ होता है। अब सुबह होती है, अब वो अपने सारे ऊँटों की कील निकालता है और अपना जाने के लिए तैयार होता है। अब वो देखता है कि वो जो ऊँट था जिसकी कील नहीं बंधी थी वो आराम से सो रहा है, उसको बहुत उठाने की कोशिश करता है। वो ऊँट तो उठने को तैयार ही नहीं होता। फिर वो मकान का मालिक आता है और कहता है क्या हुआ, अब फिर तुम्हें चिंता हो रही, क्या हुआ। वो कहता है कि ये देखो ये अब ऊँट पहले मतलब सो नहीं रहा था, अब उठ नहीं रहा, मैं क्या करूं। कहते हैं काम करो, जैसे तुम अपनी कील निकालते हो ना उसकी झूठी मूठी आवाज करो, देखो ये उठ जाएगा। वो वही करता है और ऊंट उठ जाता है। अब वो जो ऊँटों का मालिक होता है वो कहता है, बड़ा हैरान होता है, कहता है आपके पास में एक भी ऊँट नहीं है, लगता है आपको बड़ी ऊँटों की जानकारी है, मतलब आपने इतना ही बारीकी से इस ऊँट के बारे में जान लिया और मेरी मदद कर दी, क्या राज है। तो आदमी कहता है कि इसमें
कोई जानने की बात नहीं है और ना ही मुझे ऊंटों के बारे में कुछ पता है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जब इंसान एक जैसा ही व्यवहार करता रहता है तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, उसको आदत ही पड़ जाती है उन सब चीजों की। जैसे कि इस ऊंट को उस कील की आवाज से सोने की आदत थी और कील की आवाज जब निकालने की आवाज से ही वो उठता था। इसी वजह से वो रात भर कहीं नहीं गया, चाहे उसको ये पता भी नहीं चला कि मेरे को मैं जा सकता था, मेरी जो कील थी वो है ही नहीं, वो भाग सकता था लेकिन वो नहीं भागा क्योंकि उसके दिमाग ने उसको यही कहा कि अभी भी कील बंधी हुई है। कहानी की शिक्षा क्या कहती है? कहानी की शिक्षा यही कहती है कि बहुत बार हम अनजाने में बचपन से ही एक ही चीज सुनते आते हैं, समझते हैं, वही चीज करते रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द वही चीजें होती रहती है, हम वही करते रहते हैं, हम प्रश्न तक नहीं करते अगर हमारे मन में आता है। हम कोई नई चीज नहीं सीखना चाहते, कोई नई चीज को समझना नहीं चाहते, कोई मैं कहती हूँ हम एक नए स्टेप्स नहीं उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वही मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, या भी मूड नहीं है, या फिर यही कि मेरे पास में टाइम नहीं है। इसी तरह की चीज़ें देकर हम अपने आप को किसी भी नई चीज़ को करने के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं। ये सब अवगुण होते हैं। अगर हम इन अवगुण को समझ जाएं और अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति एक बार गंभीरता से सोचें कि क्या हम ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक धर्रे वाली जिंदगी जी रहे हैं कि सुबह उठे, अपना जो काम करना था किया, फिर घर आए, टीवी देखा, सो गए, जीवन में और कुछ अलग नहीं करना था। इस कहानी से मैंने क्या सीखा? जब मुझे ये कहानी सुनने को मिली तब मुझे खुद से लगा कि मैं अपने जीवन में कहाँ परिवर्तन कर सकती हूँ। तो मैं ओशो के आश्रम के जाने का मन बनाया। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कैसे नेपाल पहुँच गई, तपोवन वैली पहुँच गई, वहाँ पे आश्रम पहुँच गई और मैंने आचार्य रजनीश जी के यहाँ से इतना कुछ सीखा। अगर मैं भी वही उसी तरीके से चलती रहती कि ठीक है मुझे क्या जानना है, मैं कैसे छोड़ के जाऊँगी अपने छोटे से बच्चे को, या मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ और ये सब बकवास बातें हैं, तो शायद मेरा जीवन नहीं बदलता, मैं नई चीज़ नहीं सीख पाती या आपसे ये बात नहीं कर पाती। इसलिए जीवन में अगर आपके मन में कोई भी चीज़ है तो उसे जाकर करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप इसमें सफल हो सकते हैं। और अगर असफल हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम आपने कोशिश तो की। और याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।